देश में नए हिट एंड रन कानून का जो विरोध है उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। ट्रक ड्राइवर्स की बात करें या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें, सभी का विरोध अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक बड़ा असर ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम जो रूटीन दिनचर्या की चीज़ें हैं, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सब्जी की बात करें, फलों की बात करें, ये सब जल्द इनका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। जहाँ तक सब्जी की आवक की बात करें उस पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की जहाँ तक राजस्थान में बात करते हैं तो अभी थोड़ी बहुत जो भीड़ है वो पेट्रोल पंप पे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि अगर पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बाधित होती है तो देर शाम से राजस्थान में मुसीबत सामने निकल के आ सकती है, यानी कि पेट्रोल की जो किल्लत है वो यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तय सीमा के हिसाब से जो स्टॉक है वो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का रहने वाला है। अगर लगातार सप्लाई नहीं होती, सप्लाई बाधित होती है तो उसका एक बड़ा असर यहाँ देखने को मिल सकता है। पेट्रोल पंप पे जो बड़ी कतारें हैं फिलहाल तो नहीं देखी जा रही। देखिए लोगबागों को जैसे जैसे ये खबर पहुँच रही है, लोगबाग यहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ अभी नहीं है, चीज़ें अभी आपे से बाहर नहीं है, लेकिन अगर शाम तक ही सप्लाई बाधित होती है और लगातार पेट्रोल और डीजल की जो किल्लत देखने को मिलती है तो उसके बाद में पेट्रोल पंप पे जो भीड़ है वो भी नज़र आ सकती है, साथ में ही राजस्थान में जो विरोध है वो भी तेज होता हुआ नज़र आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, दी नेशन, जयपुर। Gracias.